हाय फ्रेंड्स, आज हाथ में जा रहा हूँ पासपोर्ट बेटा जो है, पासपोर्ट है, दो पासपोर्ट है जिसको मैं कुरियर करने के लिए जा रहा हूँ। और ये कुरियर ऑफिस में जाएंगे और इसको जमा करेंगे और ये भेजाएंगे गोरखपुर। तो चलो जाके देखता हूँ। फाइनली जा रहा हूँ पैदल, ज़्यादा ठीक नहीं है, इतना ठीक है। तो फिर मैं फाइनली एक नहीं, वहाँ पे दो कुरियर ऑफिस है मेरा रूम से थोड़ा सा दूर में। तो फिर वहाँ पे मैं गया तो जाके मैं बोला ये गोरखपुर भेजाना है। तो दो पासपोर्ट देखा, देखने के बाद तो वहाँ पे पिन नंबर आता है, वो पिन नंबर वो डायल किया उसका सिस्टम में, डायल करके बोल रहा है हाँ ये पहुँच जाएगा लेकिन इसका चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो मैं बोला ठीक है कोई भी बात नहीं, डाल पैसे देंगे तो आप उसको भेजना चाहिए, मतलब भेज दो। तो फिर बोल रहा है ठीक है मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, दूसरा काम कर लेता, दूसरा काम करने के बाद वो कर देता। तो फिर मैं उधर ही रुका। तो बाद में फिर वो पिन नंबर लेके चेक किया तो बोल रहा है मेरा ऑफिस से वो बहुत दूर है, यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो मैं बोला आप पहले बोले थे हो जाएगा, बाद में बोल रहे हो नहीं हो पाएगा। तो फिर दूसरा था बगल में, वो बोल रहे वो भी नहीं हो पाएगा, मतलब उतना सर्विसिंग उतना बड़ा नहीं था, छोटा था। तो फिर मैं बोला जिसको पासपोर्ट था ठीक है बम्बई भेजा था ऑफिस में लगाने के लिए, तो किसी वजह से वो बैग ले रहा है तो उसको भेजाने के लिए हमको बोला था, मैं भेजने के लिए गया था। तो फिर दूसरे कुरियर सेंटर था उसमें भी बोला, वो भी बोला नहीं यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो फिर उसको बोला मैं जिसका पासपोर्ट था उनको बोला बम्बई में जब भेजे थे तो कहाँ पे भेजे थे उसका एड्रेस थोड़ा सा, जो पासपोर्ट ऑफिस कुरियर ऑफिस था उसका एड्रेस दीजिए। तो एक मांगा तो तीन चार दे दिया और वहाँ से जो भेजा था उसको भी दे दिया। तो फिर वहाँ से देख के मैं दिखाया मैम, वो जहाँ मैडम थी बैठ के, तो दिखाया तो बोले ये ब्लू डॉट से भेजा था, ब्लू डॉट से आया तो ब्लू डॉट से फिर भेज दो, मतलब गोरखपुर से बॉम्बे भेजा है तो ब्लू डॉट में आया था। तो बोल रहा है यहाँ से नहीं हो पाएगा तो फिर ब्लू डॉट से भेज दो, वहाँ पे चला जाएगा। तो फिर मैं वहाँ से ब्लू डॉट मुझे पता था, पहले गया था मैं, तो वहाँ से मैं ब्लू डॉट गया। तो उधर गया जाके बोला इसको गोरखपुर भेजना है, दो पासपोर्ट था। तो बोला ठीक है, वही कुछ बोला भी नहीं, पिन कोड दो सर्च करना पड़ेगा जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ भी बोला नहीं है, ये सीधा लिया, लिया भी नहीं है, सुना है कहाँ भेजना है, बस मैं बोला गोरखपुर भेजना है। तो फिर वो क्या किया, सीधा वो एक फार्म जो आता ये थू जो फार्म, एक फार्म दे दिया भरने के लिए और एक दिया है लिफाफा जिसका अंदर डाल के वो भेजाया जाता है, वो दे दिया। बोले इसका ऊपर पूरा डिटेल्स डालो, वहाँ का जहाँ पे ये पहुँचेगा, जिनके पास जाएगा उसका नंबर नाम, वहाँ का एड्रेस बोले तो विलेज, पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसका बाद पिन कोड और फाइनली में मोबाइल नंबर ये डालो। उसका बाद डाल दिया, उसका बाद बोला है यहाँ से हम भेज रहा हूँ तो यहाँ का एड्रेस डालो। तो फिर वहाँ पे मेरा नाम भी डालना पड़ा, उसका बाद कहाँ पे रहता हूँ वहाँ का पूरा एड्रेस डालना पड़ा, जो जो था मैं डाल दिया, पिन कोड भी डालना पड़ा और लास्ट में मोबाइल नंबर डालना पड़ा। इसका बाद बोला है ठीक है तो हो जाएगा, तो टू आओ जा रहा है फॉर्म यहाँ से। तो ये सब डाल दिया, डालने के बाद तो वो बिल बनाया कितना 415 रुपया, तो मैं लेके गया था 320 रुपया। मैं जानता हूँ 100 रुपया 100 रुपये हो जाएगा, तो 420 रुपया बिल हुआ था। तो मैं बोला दूसरा में मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे बोला था 370 80 चाहे 300 में हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना चार्ज बोला ये हर स्टेट में पहुँच जाएगा गाँव से गाँव के तरफ, उस लिए मतलब एक एक कुरियर सर्विस का एक एक क्रूस होता है। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तो मैं उसको पे किया था फ़ोन से पे कर दिया। उसका बाद तो वहाँ के से एक जो स्लिप आता है पे करने का वो स्लिप दिया,
और मैं दो पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट का नंबर वगैरह सब कुछ एक फॉर्म लिख के दिया, वो भी प्रिंट निकाल के दिया सबूत के तौर में, जो मैं यहाँ से कुछ भेजा हूँ सामान वो उस लिए सबूत के तौर में दिया है। तो बाद में मैं बोला कितना दिन के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएगा, मतलब 3 दिन के बाद ही वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो पहुँच जाने के बाद तो बोले बोल रहा है क्या ऑफिस, उसका भी लिंक है, उस लिंक ऑफिस है, तो वहाँ से उनको पहुँचने के बाद तो ऑफिस में जो रहता है कर्मचारी वो लोग फ़ोन करके जिस नंबर डाले हो उसी नंबर में उसको बुलाएगा, जिसका पासपोर्ट है उसको बुलाएगा, उसके बाद वो आके ले जाना पड़ेगा, ये ऑफिस से जाके नहीं देगा, उसको ऑफिस में आना पड़ेगा लेके जाएगा। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है, वो खुद आ जाएगा। तो कोई भारी सी काम नहीं है, कोई बड़ा सा काम नहीं है, कोई डरने का भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए वो उससे जाके मिलो बोलो, और जो पिन कोड है एरिया का जहाँ पे भेजना चाहते हो सामान वहाँ का पिन कोड दे दो, वहाँ से वो सर्च मार के देख लेगा उनका ऑफिस है कि नहीं, ऑफिस रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहेगा तो दूसरा बगल रहेगा तो बोल देगा इतने दूर इलाका में है लेकिन वहाँ से सामान ले आ पाओगे, तो ठीक है ऐसे ही। मतलब कुरियर में कुछ सामान भेजने के लिए कोई जो बड़ा सा काम है कोई कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई जाओ फॉर्म डालो फिलअप करो पैसा पे करो और वहाँ से प्रूफ लेके आ जाओ बस कंप्लीट। तो फिर भाई मैं दूसरा वीडियो लेके आएंगे बाद में, तो फिर साथ में रहो देखते रहो।